मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 22 से लेकर 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री जॉइंड एज 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन से देश ने 119वां मेंबर की तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए इज इटली, ऑप्शन बी इज माल्टा, ऑप्शन सी इज बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी इज श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पर जो सीओपी हुई थी पेरिस में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। आईएससी के जो हेडक्वार्टर्स है वो है गुरुग्राम में, हरियाणा में, इंडिया में। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जिसको नाम दिया गया है इसके हेडक्वार्टर्स को। अभी बात करते हैं 119वीं कंट्री की। सो माल्टा एक देश है जो कि 119वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है माल्टा मेडिटेरेनियन सी में। यहाँ पर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है सारा, और माल्टा जो एक आईलैंड कंट्री है जो कि सदर्न यूरोप में लोकेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मोस्टली जो देश है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश लाई करते हैं वो है, जहां पर जो सोलर एनर्जी है वो अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है और उसको सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने का जो टारगेट है, एम है इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज माल्टा। इसकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, सदर्न यूरोप में है, एक आईलैंड नेशन है, मेडिटेरेनियन सी में एक आईलैंड नेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। कौन सा देश है दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज इंग्लैंड, ऑप्शन सी इज इजराइल एंड ऑप्शन डी इज जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है ये जापान और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों का एक लिग्नोसैट प्रोब है, एक वुडन सैटेलाइट जो ये शेड्यूल कर रहे हैं कि 2024 में लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा, इसका एम क्या है, जो स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस हैं ताकि वो सस्टेनेबल हो। अब इसका क्या मतलब है, अभी जो करंटली जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो मेटालिक हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ये जो वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने का सबसे बड़ा एम यही है कि स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्टेनेबल बनाया जाए। ये जो लिग्नोसैट है ये कॉफी मग के साइज का सैटेलाइट है जिसका एम यही है कि जो भी स्पेस में डेब्रिस होता है, एक टाइप का जैसे कचरा होता है, और जो स्पेस फ्लाइट्स हैं उनको ज्यादा सस्टेनेबल बनाना। ये सैटेलाइट मैग्नोलिया वुड का बना हुआ है जो कि क्रैक रेजिस्टेंट है। क्रैक रेजिस्टेंट का मतलब है रेजिस्टेंट होता है कोई भी चीज जो नहीं होती, क्रैक नहीं होगा, ये स्टेबल है। जो भी स्टडीज जो कंडक्ट की गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आप वो कोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो देख सकते हैं पोस्टर, यहाँ पर भी मेंशन है जापान एंड नासा प्लान टू लॉन्च अ वुडन सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, जो कि लिग्नोसैट प्रोब जो इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जापान। आपको जापान और नासा का दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के IFF अवार्ड 2024। ऑप्शन ए इज एनिमल, ऑप्शन बी इज पठान, ऑप्शन सी इज डंकी एंड ऑप्शन डी इज जवान। यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा साहेब फाल्के IFF अवार्ड 2024 के जो है ये रिसेंटली हुए हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। इन अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को। क्रिटिक्स की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और क्रिटिक्स कैटेगरी में विकी कौशल को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जवान मूवी की जो एक्ट्रेस है नयनतारा उनको, और रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की कैटेगरी में मिला है जाने जान के लिए करीना कपूर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को, और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड मिला है मौसमी चटर्जी को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत कॉमनली अवार्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर क्योंकि आपको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था तो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
खजुराहो डांस फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो भारत के कौन से राज्य में हो रहा है? ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज गोवा एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो डांस फेस्टिवल का ये 50th ईयर था सेलिब्रेशन का। ये जो फेस्टिवल है कल्चरल डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलेबोरेशन विद उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, खजुराहो काफी हेरिटेज के लिए फेमस सिटी है मध्य प्रदेश की। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ हर घर जल। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर पहला राज्य कौन सा बना है जो कि हर घर जल में 100% सेचुरेशन जिसने अचीव किया है? ऑप्शन इज असम, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी इज मेघालय एंड ऑप्शन डी इज अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% सेचुरेशन ऑफ हर घर जल जो है ये अचीव करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन मिशन के अंडर इन्होंने 100% सेचुरेशन अचीव की है हर घर जल की। ये जो मिशन है इसका एम यही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ईज ऑफ लिविंग को एनहांस करना गाँव के एरियाज में। कैसे? जो टैप वाटर सप्लाई है जो टूटी में पानी आता है वो हर घर को मिले बाय द ईयर ऑफ 2024। तो ये जो ये मिशन था जल जीवन मिशन उसका एम था और फर्स्ट स्टेट बनी है अरुणाचल प्रदेश। ये एग्जांपल भी आप कोट भी कर सकते हो अगर कहीं भी आपको लगे कि एप्रोप्रिएट एग्जांपल है अपने मेंस के आंसर्स में एसेज वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच कंट्री। 11th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है कौन से देश में हुई है रिसेंटली? ऑप्शन ए इज ईरान, ऑप्शन बी इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज थाईलैंड एंड ऑप्शन डी इज मलेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये रिसेंटली ईरान के तहरान में जो हुई है, जहां पर इंडिया ने जो कितने मेडल्स जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 नेशनल रिकॉर्ड्स भी अचीव किए हैं। अब यहाँ पर आपको ये तीनों प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। एक तो जो है ज्योति राजी, इन्होंने वुमेन्स 60 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता है जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना 8.12 सेकंड्स का। देन तजिंदर सिंह तूर, ये शॉर्ट पुट के प्लेयर हैं, इन्होंने 19.7 मीटर्स का थ्रो वो किया था मेन्स शॉर्ट पुट में, 19 ईयर ओल्ड एक नेशनल रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया इन्होंने। देन है हरमिलान बेन्स, ये गोल्ड मेडल जीता है वुमेन 1500 मीटर में। तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं, ये ईरान है तो इधर इसकी राजधानी है तेहरान, इधर कैस्पियन सी है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, गल्फ ऑफ ओमान, देन यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, यहाँ पर इराक है। ये सारी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में। इस साइड आर्मेनिया और अजरबैजान है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ईरान। ईरान जो है वेस्ट एशिया की इम्पोर्टेंट कंट्री है और इंडिया के साथ इसकी काफी अच्छे जो सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है ईरान इंडिया के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड सागर अंकलन फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डैश। भारत की सरकार ने सागर अंकलन जो है वो लॉन्च किया है किस चीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए इज पोर्ट्स, ऑप्शन बी इज फिशरीज, ऑप्शन सी इज ओशियन एंड ऑप्शन डी इज वेटलैंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सागर अंकलन जो है यूनियन मिनिस्टर सर्बनंदा सोनोवाल ने रिसेंटली लॉन्च किया है किसके लिए? भारत के जो पोर्ट है उनकी परफॉर्मेंस इंडेक्स की गाइडलाइंस के लिए। सागर अंकलन गाइडलाइंस जो है नेशनल बेंचमार्किंग इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस की उसके लिए ये सेट करते हैं। सभी इंडिया के सी पोर्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। एम क्या है कि मैपिंग करनी है, बेंचमार्किंग करनी है इंडियन पोर्ट के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की, स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज करने हैं, डेफिनेशंस और परफॉर्मेंस है जो ग्लोबल बेंचमार्क्स की वो इम्प्रूव करनी है, कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी, तो हर चीज को ओवरऑल जो है पोर्ट को इम्प्रूव किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आप डेवलपमेंट में जो है ग्रोथ में, मैरीटाइम के रिगार्डिंग कोई भी आता है, मरीन कल्चर के रिगार्डिंग वहां पर कोट कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोर्ट।
और ये जो एमसीक्यूज में तो इम्पोर्टेंट है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया. पहला जो स्किल इंडिया सेंटर है भारत का वो किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है. ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज पंजाब, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज केरला. यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, उड़ीसा के संबलपुर में, यहाँ जहाँ पर IIM भी है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो श्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था. इसका एम क्या है, 1200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इस सेंटर के थ्रू एम्पावर करना. लो कॉस्ट कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो कि लार्ज नंबर ऑफ यूथ को एम्पावर करेंगे. देन जॉब मार्केट को इवॉल्व होने में, जो इवॉल्विंग जॉब मार्केट है उनको, उन यूथ को उसका पार्ट बनने का मौका देंगे. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा. उड़ीसा में कहां पर, संबलपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट इन इंडिया. एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है 2024 की वो कहां पर हुई है. ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है कंडक्ट की है राजस्थान के जैसलमेर में, जो पोखरण रेंज है वहां पर. इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम जो आकाश और समर मिसाइल सिस्टम है वो भी इस एक्सरसाइज में शोकेस किए गए थे. इसका थीम था लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई. यहाँ पर मैंने आपको ये राजस्थान है इसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश की, तो बिल्कुल जो है वेस्टर्न जो राजस्थान है वहां पर है जैसलमेर, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बॉर्डर एरिया है. आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया. इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का 11th एडिशन जो है वो भारत के किस राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में जो हो रहा है. ऑप्शन ए इज इंडिया सॉरी तेलंगाना, ऑप्शन बी इज चंडीगढ़, ऑप्शन सी इज लक्षद्वीप एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका. यहाँ पर आप इसका पोस्टर भी देख सकते हैं पपेट फेस्टिवल का, ये चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हुआ है. इस फेस्टिवल में एक पपेट एग्जीबिशन भी जो है वो लगाई गई थी. पपेट्स होते हैं जो कठपुतलियां होती हैं, आर्टिसंस और जो पपेटियर्स हैं उन्होंने अपनी स्किल्स भी शेयर की, इनसाइट्स शेयर किया. बिहाइंड द सीन जो आप देखते हैं उसके पीछे का सारा जो भी काम होता है वो भी शोकेस किया. इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप है वो दिखाई लोगों को, और काफी जो लोगों को अच्छा स्किल शो किया, एंटरटेनमेंट जो लोगों को किया. सो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और टैगोर थिएटर सोसाइटी इन दोनों ने मिलकर ये कंडक्ट ऑर्गेनाइज किया था. ऑप्शन बी दैट इज चंडीगढ़ इज द आंसर. ऐसे एग्जाम्पल्स आप अपने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में कोट कर सकते हो. ये हमारा सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप यहाँ हमें यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू टुमारो एट 8 o'clock. हैव अ नाइस डे.